रतनगढ़ थाना परिसर में 22 मुकदमों में पकड़े गए अवैध शराब की 500 बोतलों को नष्ट किया गया। प्रशासन की तरफ से इस कार्य के लिए पंचायत विभाग के अधिकारी नारायण दत्त को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया था, जिनकी मौजूदगी में यह कार्य किया गया। और आज 22 मुकदमों की जो शराब है इसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, इसमें लगभग 500 बोतलें डिस्ट्रॉय की जाए। शराब इसमें अंग्रेजी और देसी और कुछ बियर की बोतलें। ये हमारी 2021 की जो 22 मुकदमे हैं, ये अपने SDSM महेंद्रगढ़ के आदेश अनुसार ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करके ना 22 मुकदमे हैं, इसमें करीबन 500 बोतलें हैं, इसमें देसी अंग्रेजी हैं और बियर की बोतलें हैं, इसको हम आदेश के अनुसार हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। खबर हरियाणा से, जहां पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने अपने आवास पर अधिकारियों व नगर पालिका के पार्षदों के साथ बैठक की, जिसमें शहर के बिजली पानी सड़कें सहित अनेक समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया गया। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने नारियल फोड़कर नगर के विकास की शुरुआत की। समस्याओं का समाधान हो गया, इन सब के नंबर सभी पार्षदों ने नोट किए और ईमानदारी से काम करेंगे। ये तीसरा इंजन है हमारा, चुना हुआ इंजन है और बड़े अधिकारी हमें मिले हैं। आज सबसे पहले नगर की मेन जो अभी सब अधिकारी पार्षद हम जो मणिवाड़ा कुआ के पास पानी है और राज गार्डन के पास जो पानी है, सबसे पहले काम की शुरुआत ये सरकार वहां से करेगी। फरीदाबाद बल्लभगढ़ के मोहाना मार्ग से